नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच आज शुरू हुए तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भी वही हाल रहा। श्रीलंकाई गेंदबाजों की उसी तरीके से धुनाई हुई जिस तरीके से पहले दो टेस्ट मैचों में हुई, बल्कि ये कहें कि उससे भी ज़्यादा बदतर, क्योंकि पहले सेशन में ना तो भारत का एक भी विकेट गिरा और ना ही श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई कम हुई। भारत ने पहले सेशन के खेल में 134 रन बनाए, वो भी मात्र 27 ओवरों में। लगभग 5 के रन रेट से शिखर धवन और केएल राहुल ने रन बनाए। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने 8 शतक पूरे किए। जहां शिखर धवन अब 64 रन बना खेल रहे हैं, वहीं केएल राहुल ने अब तक 67 रन बना लिए हैं। आपको बता दें कि दोनों गेंदबाजों ने चौकों की बरसात करते हुए, जहां शिखर धवन ने 9 चौके लगाए, वहीं केएल राहुल अब तक 6 चौके लगा चुके हैं। हालांकि श्रीलंकाई फील्डर भी इस मैच में जिम्मेदार रही, क्योंकि उन्होंने दोनों ही बल्लेबाजों के एक एक कैच छोड़े हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय बल्लेबाज शतक पूरा करते हैं और भारतीय टीम अपनी पहली इनिंग में कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है, और आज के दिन भारतीय टीम कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाती है।